नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्चर एट जेस्ट मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ। आज 28 अगस्त 2023, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दालों के बारे में, और दालों के अंदर मसूर और मटर की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि मसूर व मटर की कनाडा में औसत उपज के घटने के संकेत मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कनाडा में मसूर एवं मटर फसल की कटाई तैयारी पहले से ही आरंभ हो चुकी है और अब इसकी औसत उपज दर का पहला अनुमान भी सामने आ चुका है, जो उत्साहवर्धक बिल्कुल नहीं है। इस बार कनाडा में राष्ट्रीय स्तर पर मटर की औसत उपज दर लगभग 35 बुशेल प्रति एकड़ रहने की उम्मीद है, जो पंचवर्षीय औसत से 11% कम, मगर 2021 की कमजोर स्तर 22 बुशेल प्रति एकड़ से ज्यादा है। दरअसल यह अनुमान कनाडा के दो शीर्ष उत्पादक प्रांत सस्केचवान तथा अल्बर्टा के फसल की रेटिंग पर आधारित है। उसका चालू वर्ष के दौरान भी कनाडा में मौसम गर्म एवं शुष्क रहा, मगर इसकी तीव्रता 2021 से काफी कम रही। फसल की हालत उस समय अत्यंत खराब हो गई थी। जहां तक मसूर का सवाल है, तो चालू वर्ष के दौरान कनाडा में इसकी औसत उपज दर लगभग 1130 पाउंड प्रति एकड़ रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पंचवर्षीय औसत से लगभग 15% कम है, मगर 2021 की औसत स्तर जो कि 850 पाउंड प्रति एकड़ की थी, उससे काफी ऊंची है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 31 जुलाई से पूर्व ही उपज दर के बारे में अपना अनुमान व्यक्त किया गया था, जबकि उसके बाद से वहां मसूर एवं मटर फसल की हालत और भी खराब हुई है। इसलिए आमतौर पर माना जाता है कि कनाडा में इन दिनों महत्वपूर्ण दलहन फसलों के उत्पादक में पूर्व अनुमान के मुकाबले काफी गिरावट आ सकती है। आधिकारिक तौर पर मटर की फसल को सस्केचवान में लगभग 32% एवं अल्बर्टा में लगभग 45% अच्छी या उत्साहवर्धक स्थिति में आका गया है, जबकि 15 दिन पहले इन दोनों राज्यों में लगभग 50-50% फसल को बेहतरीन अवस्था में आका गया था। मटर की अच्छी फसल वाली रेटिंग 10 वर्षीय औसत 68% से काफी नीचे है। जहां तक मसूर की बात है, तो वर्तमान समय में सस्केचवान प्रांत में इसकी महज 29% फसल की हालत उत्साहवर्धक है और अल्बर्टा में इसकी रेटिंग 37% है। एक पखवाड़ा पूर्व यह रेटिंग क्रमशः लगभग 44% एवं 50% रही थी। सस्केचवान प्रांत में खेत सूख गए हैं, इसलिए मसूर एवं मटर फसल की रेटिंग में आगे और कटौती हो सकती है। केवल सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में फसल की हालत अच्छी है, जबकि वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। तो ये था आज के एपिसोड में दालों के बारे में। तो उम्मीद है आपको इस खबर से लाभ होगा। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए ज्येष्ठ मनी गुरु, और अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन के ऊपर उपलब्ध है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए ज्येष्ठ मनी गुरु। धन्यवाद।